गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बताओ, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? कोई आवाज जा रही होगी, है ना? चलो बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था? ओके, और कुछ सवाल कर लीजिए आप साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। चलो सॉल्व करो इसको। तनिष्क गलत है तुम्हारा। 1 2 मिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ साक्षी, आपका करेक्ट है।
वन टू डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट है। चलिए इसका नेम क्या जाएगा, जब नेम लिखे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, तो नेम क्या जाएगा, वन कॉमा टू। सेकेंडरी प्रिफिक्स में देखो क्या है, मिथाइल है ना, इसलिए वन कॉमा टू डाई मिथाइल। अब प्राइमरी प्रिफिक्स में क्या आता है, साइक्लो आता है, तो हमने क्या लिखा, साइक्लो। फिर वर्ड रूट कितने का है, सिक्स का है, तो क्या लिखेंगे, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लो हेक्स है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। ठीक है आप एक काम कीजिए, 8, 9, 10 तीनों सॉल्व कीजिए, फिर मैं खुद ही आंसर लिख दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए सॉल्व करने के बाद रिप्लाई कर दें, पहले तीनों सवाल सॉल्व कर लीजिए फिर मैं आंसर बताता हूँ, और सॉल्व करने के बाद रिप्लाई कीजिए।
क्लोरीन है वो, डी कोई सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं किया है। चलो हो गए। चलो मैं लिखता हूँ इसका नेम। क्वेश्चन नंबर 8, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ डाउट है तो बताओ। सर कैन वी स्टार्ट नंबरिंग इन साइक्लिक फ्रॉम एनी पॉइंट? ना, साइक्लिक किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तब जब कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तब ना। अगर इसमें हम मैं बोलूं कि यहाँ से स्टार्ट कर लो तो करेक्ट होगा क्या? वो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट भी तो फॉलो करना है ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है तब हम आप यहाँ से स्टार्ट कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर सब्स्टिट्यूशन है तो लोवेस्ट लोकेट टू सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करना है। फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप को ऑपरेट करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को ऑपरेट करना पड़ेगा। समझ गए? इथाइल से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इथाइल से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब लोकेन का सेट बना लो। तो इथाइल से स्टार्ट किया 1, 2 एंड 5 पे, और हमने किससे किया था? मिथाइल से किया है ना, यहाँ से। तो चेक कीजिए इस वाले को, लोकेंट 1, 2 देन 4। कौन लोवेस्ट सेट है इन दोनों में से? ये लोवेस्ट सेट है, तो कौन सी नंबरिंग फॉलो होगी? ये वाली फॉलो होगी। अभी क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ डाउट? क्वेश्चन नंबर 9 में एनी डाउट? चलिए कोई बात। क्वेश्चन नंबर 10, इसके लिए नंबरिंग ये 1। आप इधर भी चल सकते हैं, इधर भी, किधर भी चल सकते हैं। सेम सब्स्टिट्यूशन आर नॉट देयर। दिस इथाइल, मिथाइल, मिथाइल सब्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट। नाइन, देन इन नाइन्थ वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम वेयर? बिकॉज तुम्हारे स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं समझ में आया मुझे। सेम सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो भी सेट ऑफ लोकेंट सेम आएगा, यहाँ से करेंगे तो भी सेम आएगा, यहाँ से करें तो भी सेम आएगा। आपको डाउट है तो आप तीनों साइड से स्टार्ट करके
सेट ऑफ लोकेंड लिख करके देखिए, आपको सेम सेट ऑफ लोकेंड मिलेंगे। अब सेट ऑफ लोकेंड सेम है, देन वी फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल कम फर्स्ट, दैट्स व्हाई नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द इथाइल। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, वी कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस वन एंड कैन गो लाइक दिस और लाइक दिस वन। फॉर दिस पार्ट दिस इज द प्रिंसिपल चेन एंड दिस इज ब्रांच चेन। 1-2-3-4-5-. When we write the number, it will be 3-chloropentyl, bracket बंद, because this is complex substitution and their locant is 1, then cyclohexane. बताइए क्लियर है सभी का? तो क्लियर नहीं है तो आप डाउट पूछिए। राइटिंग नो हैव नो मीनिंग। आपको डाउट क्या है वो पूछिए। मैं तो लगता है ये 4 सवाल में आपने हर सवाल में डाउट ही पूछ लिए, तो पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 8 डाउट पूछा, क्वेश्चन नंबर 9 डाउट पूछा, स्टिल क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव डाउट। नाउ आस्क योर डाउट। मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि नॉमेनक्लेचर सिस्टम इज अ डेवलप सिस्टम। आपको एक पैटर्न दिया है, उस पैटर्न को फॉलो करना है, पॉइंट टू पॉइंट पैटर्न को फॉलो करना है। तो आपने अगर सारे पॉइंट्स याद किए हैं तो गलत होने का सवाल ही नहीं है। हाँ, ये सवाल मैं मान सकता हूँ कि आप गलत कर सकते थे कि सेट ऑफ लोकेंट डिसाइड करना था, तो वो हमने आपको बताया। चलो इस वाले में तुम गलती कर सकते हो, ये तो एकदम बेसिक सा है। चलो कोई बात नहीं है, कुछ डाउट है तो पूछो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अयो चलो, अब तुम लोग इतना गलत की हो तो एक और सवाल देता हूं। अभी बताओ नेम क्या हो। अब ये दे ही दिया है तो एक और दे देता हूं, एक दर्जन पूरे हो जाएंगे। यू विल फील गुड कि एटलीस्ट एक दर्जन क्वेश्चन तो किया। चलो सॉल्व करो और सॉल्व होने के बाद रिप्लाई कीजिए, मैं आंसर बताऊंगा फिर आप चेक कीजिए।
चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर कट करने के बाद 6 कार्बन इधर, 6 कार्बन अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7। प्रिंसिपल चेन ये होगा क्योंकि इसके पास सब्स्टिट्यूशन है। तो 1 2 3 4 5 6। आप जब नेम लिखेंगे तो सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूशन बन गया ना, इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग? हम लोग नाम लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन। और इसको क्या करना है? रेडिकल में कन्वर्ट करना है, सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करना है। ए एन को हटा के वाईएल ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्साइल। तो सबसे पहले आगे 1 साइक्लोहेक्साइल, देन अच्छा इसके पहले इसको लिखना पड़ेगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो 1 साइक्लोहेक्साइल हेक्सेन। अभी पता है किसी को डाउट है? ऋषिकेश बताओ, कुछ डाउट? कुछ डाउट है इसमें? एक पार्थ तुम भी बताओ, कुछ डाउट है? नो डाउट। चलो मेरी जान बच गई अब की बार तो। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा? साइक्लिक होगा। बताइए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, चलो इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ। बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? बी से स्टार्ट करेंगे, बी। बाकी लोग ए टू सी नंबरिंग होगी। बहुत अच्छे, 1 2 3 4 5 6। बताइए इसमें किसी को तकलीफ है? ऋषिकेश ए टू सी, अरे वाह बहुत अच्छे। बताओ इसमें किसी को तकलीफ है? Why not from श्री? सॉरी सी से क्यों नहीं हो रहा है? ठीक, आप सी से ही कर लीजिए नंबरिंग। यहां से करता हूं 1। अच्छा लेफ्ट चलूं या राइट चलूं बताइए, ऊपर चलूं नीचे चलूं? बताइए श्रेया, बताइए अब चलना है या विलो से चलना है? चलिए सेंस आप कुछ कह नहीं रहे हैं तो फिर मैं छोड़ देता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ। चलो तो नेम जब लिखेंगे इसका 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश, तो पहले इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नाम लिख लेता हूं मैं, क्या आ जाएगा इसका नाम? 2 डैश कॉमा 2 डैश डाई मिथाइल
और एक दो तीन प्रोपाइल, प्रोपाइल ठीक। लोकेट नंबर कितना है इसका, देखो वन है लोकेट नंबर वन। अब ये प्रोपाइल और आयोडो, तो ये तो अल्फाबेटिकली पहले आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर है, और डी है तो डी कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए कंसिडर करेंगे। तो अब चलिए इस वाले को देखिए, तो अब ये दोनों बच गए, प्रोपाइल और आयोडो, तो कौन सा आ जाएगा, आयोडो आ जाएगा पहले, तो टू IODO आयोडो। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, फोर प्रोपाइल। अब साइक्लो हेक्सेन, बताइए किसी को कुछ दिक्कत। जल्दी जल्दी बताओ, आज सैटरडे है, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोग भी संडे का वेट कर रहे होगे। बताओ 3 महीने पहले क्या लाइफ था तुम्हारा, 3 महीने बाद क्या हो गया, 10th में कितना एंजॉय कर रहे थे, अब इधर 11th में कितनी तकलीफ। भगवान तुम लोगों को हिम्मत दे, वो दिन भी क्या दिन थे, बात तो सही है बेटा, जो गुजर गए सो गुजर गए, कोई बात नहीं, होता है, अभी पढ़ लेंगे तो आगे सब अच्छा रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आगे बढ़ा जाए। चलो ये स्लाइड तो हमारा हो गया, अच्छा ये आपको नहीं नोट करना है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। नमन क्लेचर ऑफ अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल, चलो तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करने के लिए रूल्स लिखने पड़ेंगे, तो नोट करेंगे आप लोग, रूल्स फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल चेन। अच्छा तुम लोगों को कल होमवर्क दिया था ना हमने, एक किया क्या तुम लोगों ने, यस। चलो तो जो रूल्स लिखने हैं ना वो यही सेम रूल्स हैं, तो आप चलो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, यही रूल्स हम फॉलो करेंगे सभी जगह। चलो एक ये यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लीकेबल होगा, तो आप नोट कीजिए इस वाले को।
नोट करने के बाद रिप्लाई करें। नोट हो जाए तो रिप्लाई कर दें। यस, पूरा लिखना है, नंबरिंग के लिए वर्ड लिखना है और ये भी लिखना है, दोनों ही नोट करने हैं। MB का मतलब है मल्टीपल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। चलो हो गए, ओंकार हो गया। यस, धन्यवाद। चलिए अब जैसे मुझे ये नेम लिखने हैं, तो देखो कैसे लिखूं मैं। तो यहाँ पर एक ही चेन है, प्रिंसिपल चेन है, तो मुझे रूल्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी प्रिंसिपल चेन के लिए। अब नंबरिंग करना है तो किधर से करेंगे, तो अभी नंबरिंग के लिए हमने रूल्स पढ़े थे। देखो क्या लिखा है, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड विच विल गिव लोवेस्ट सेट ऑफ टोकन फॉर फंक्शनल ग्रुप, बट फंक्शनल ग्रुप तो हमारे पास अभी है ही नहीं, तब कहाँ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड पे। तो हमने जो रूल्स पढ़े थे तो नंबरिंग के लिए, अभी क्या होगा उसमें दो रूल्स ऐड होंगे, एक क्या हो गया हमारा पास मल्टीपल बॉन्ड वाला, ये आ जाएगा, और दूसरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर मल्टीपल बॉन्ड। तो ये दो रूल्स ऐड होंगे, है ना, पहले क्या थे, ये दो रूल्स थे, अब ये दोनों और ऐड हो गए। तो चलो यहाँ पर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन फॉर मल्टीपल बॉन्ड देखें, आप यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो देखो मल्टीपल बॉन्ड के लिए दो नंबर जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो उसका लोकेन जो फर्स्ट आ रहा हो, आप इस डायरेक्शन से चलेंगे तो ये वाला, और इस डायरेक्शन से चल रहे हैं तो ये वाला, तो आप जिस भी डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं डबल बॉन्ड का जो एंड आपके तरफ आ रहा है, जो एंड पहले आ रहा है उसी एंड का लोकेन कंसिडर किया जाता है। तो इस डबल बॉन्ड के लिए लोक एंड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब जब मैं नेम लिखूंगा तो देखो सेकेंडरी प्रेफिक्स कुछ भी नहीं है, प्राइमरी प्रेफिक्स साइक्लिक नहीं है तो कुछ भी नहीं,
वर्ड रूट कितने आ गए? पांच आ गए। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर? पेंटा लिख दूं। फिर देखो ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, नेचर ऑफ बॉन्ड। अगर एक भी डबल बॉन्ड अवेलेबल है तो क्या यूज करेंगे हम लोग? इन यूज करेंगे, और इन भी अपने लोकेंड के साथ आएगा, है ना? याद रखना, सफिक्स फोर, नोट कर लो, सफिक्स फोर, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, सफिक्स फोर, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कम विद देयर लोकेंड, कम विद देयर लोकेंट। नोट कर लिया? चलो तो अब क्या यूज करेंगे यहां पर? तो वन इन यूज करेंगे, और सेकेंडरी सफिक्स में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सीधा ऐड करते हैं वोवेल, वोवेल तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पेंट वन इन आ जाएगा। क्लियर है? बताओ क्लियर है सभी को? ओहो तुम ना, स्टेटमेंट रिपीट करना है। कि स्टेटमेंट क्या था भाई? सफिक्स फोर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या सीधा बॉन्ड लिख लीजिए, सफिक्स फोर मल्टीपल बॉन्ड कम्स विथ दर लोकेंट। चलिए नेम क्लियर है सभी को? चलो सेकेंड वाले पे आ जाओ। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज है, जो वन है ना, अगर कुछ और नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन पेंटीन। और वन की खासियत यह है कि आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कि वन क्या होता है, अंडरस्टूड होता है कि कुछ और नहीं है तो वन होगा। तो आप इसको ऐसे लिखिए तो करेक्ट, ऐसे लिखो तो करेक्ट, ऐसे लिखो तो करेक्ट। क्लियर है सभी को? हाँ तो पी कैपिटल में लिखा है ना, पी तो कैपिटल में ही लिखा है ना, स्मॉल पी तो ऐसे होता है ना। चलो सेकेंड वाले कदम में देखो, अब नंबर इधर से करो, वन टू थ्री, इधर से किया वन, तो लोएस्ट लोकन किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नेम लिखेंगे तो सेकेंडरी सफिक्स के पास कुछ भी नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद कुछ भी नहीं, वर्ड रूट के बाद क्या आ गया आपके पास? हेक्सा आ गया है, और यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स दो बॉन्ड है ना, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? वन कॉमा थ्री, इसके लिए लोकेंट वन और इसके लिए लोकेंट थ्री, वन कॉमा थ्री डाई इन। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स तो कुछ और है नहीं, अब जब ऐड करेंगे आप इसको तो क्या आएगा? इट विल गिव हेक्स। अब देखो ए नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लिखेंगे हेक्सा वन कॉमा थ्री डाई इन इसको। नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यस। चलो तो अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ आपके लिए होमवर्क है, नोट कीजिए। बोला था आज क्लास थोड़ा पहले छोड़ दूंगा, तो देखो 10 मिनट पहले क्लास छोड़ रहा हूं मैं, सैटरडे का तुम्हें हमने छुट्टी दिया आज। चलो तो इसको नोट कर लिया? अरे नोट कर लिया? यस। क्लास बंद करो फिर। ओके थैंक यू।
बाय बाय।